जो सवाल मुझसे अक्सर लोग करते हैं, सोहबत का वक्त, कुछ लोग सवाल करते हैं सोहबत का कितना वक्त हो सकता, मैंने कहा अपनी घड़ी आप लगा लो, हाउ कैन आई मतलब मैं कैसे, इसमें जिन्स, नस्ल, गिजाइयात, फिजिकल स्ट्रक्चर, सब चीज़ का फ़र्क होता है ना। नस्ल एतबार से कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग खाने पीने के एतबार से वैसे होते हैं, कुछ लोग उनका माहौल उनको, उनके समाज उनको वैसा बना देते, समझ रहा, तो हाउ कैन आई, मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये चीज़, और ये पूछना भी नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या फिर इसके पीछे रीज़न, वो फलां पिक्चर में एक आदमी जो शुरू हुआ तो आधा घंटे तक शुरू था, सुभान अल्लाह, आपने वो देख ली, अब आप अपने आप को उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो आप तो वहाँ कहीं भी फिट नहीं हो रहे। तो याद रखिए, ये सब फालतू चीज़ें हैं, याद रखिए, ये सब एबनॉर्मेलिटीज़ है जो आपको बताए जा रहे हैं फिल्मों के एडिटिंग के एतबार से। आपको क्या बताओ कितनी बार उसको क्या हुआ था बीच में, जो आप खाली फिल्म देख रहे हो। तो ये सब चीज़ें, ये बुराई देखी, इस बुराई ने क्या क्या उम्मत को आज नुकसान नहीं पहुँचा दिया, ऐसे सवाल लोग कर रहे हैं। और आदमी अपने आप से खुद मुतमइन नहीं है अपनी बीवी के साथ रहकर, वो छोड़ी उसकी बीवी क्या बोल रही है, उसको वो खुद ही मुतमइन नहीं है, मेरे को ही लग रहा है ऐसा, मेरे को ही लग रहा है ऐसा, मेरे को, और उसकी सोशल लाइफ, उसकी स्पेशली मैरिज लाइफ बर्बाद होते जा रही, हर दिन डिग्रेड बर्बाद हो रही है। इसका कोई फिक्स वक्त नहीं है, ये इंसान, उसका समाज, उसकी नस्ल से भी फ़र्क पड़ता है याद रखिए, और उसके हालात और उसकी गजाइयात डिपेंड। ठीक, सेकंड ये क्लेरिफिकेशन मैं दे रहा हूँ। तो ये पोर्नोग्राफिक पिक्चर्स को छोड़िए, वरना ये आपको पता नहीं क्या क्या एग्जांपल्स देके बर्बाद कर देंगे। थर्ड चीज़ ये होती है, मर्दों में तो बहरहाल ये जज्बा फिर भी समझ